और कोने अकेले है ना, गिर चुका नहीं है केस, कहीं गिर चुका अलमनाथ लेडी मंदिर के पास जश्न हो रहा था, वहाँ से एक तेज रफ्तार गाड़ी लोगों को कुचलते हुए, जिसमें मौलाना भी बैठे थे उनको तो कुछ नहीं हुआ, बाजू से निकलते हुए लेडीज को मारते हुए उछलते हुए औरतें गिरे, उनको पकड़ लेते हैं, हम बहुत पीछा करें, उसके बाद दरिश्ते दरवाजे तक आके उनको रोके और पुलिस के हवाले करे हैं। तकरीबन 4-5 जने इस वक्त इंजर्ड है और इस तरीके से गाड़ी चला रहा था वो शख्स कि लोगों के लेडीज के कपड़े फट के गाड़ी के बैनेट में आ गए और लघु लहान पड़े हुए हैं, इस वक्त उनको भी हॉस्पिटल भिजाए हैं हम, यहाँ पर भी इसको लेके पुलिस के हवाले करे हैं। कितने कितने जने इंजर्ड हैं? 5-6 जने हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों, लेडीज को मार लेते। कितने जने थे भाई गाड़ी में चला रहे थे? इसके संगात लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे, पुट्टे रोको बोले तो नहीं रोके और कुचलते हुए मार लेते आ रहे थे और दारूशफा नाका जो है। उम्र के होंगे ये बच्चे? ये कहाँ से होले आ रहा भाई? जैदी मंदिर के सामने से दारूशफा अदाखाना जा रहा है। ये लड़कियाँ भी थे, उसमें लड़कियाँ भी थे, लेडीज भी थे, लेडीज तो निकल के अंदर भागी, उनको पकड़ के अब हम तो फिलहाल यहाँ डबीपुरा रोड के पुलिस को दिए, मगर यहाँ के कुछ पुलिस वाले जो है सो मिर्चो को ट्रांसफर करे हैं, वो कहाँ का केस आता है, कौन सी रोड आती है, वो आपस में वो लोग तय करके वहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। अब यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल अलहमदुल्ला ठीक है, हम जितना हो सकता वक्त के ऊपर जितना मदद करना था, आलमदार वाला जय साहब मैं और मेरे संगत दूसरे जने थे और जफर याब जफर भाई भी थे, तकरीबन जने हम लोग इसके अंदर गाजी वाला जय और शहबाज अली तकरीबन पूरे लोग इब्तदाई मजलिस के सदर में तो मिले डबीपुरे पे आकर एट ए टाइम महंगामी हालात में हम उन लोगों को जो एक्ट पहुँचाना था पहुँचाएं और इसको पकड़ के गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करें।